लखनऊ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देश तथा प्रदेश की भाजपा सरकार पर लगातार झूठ बोलने का गंभीर आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने आज मीडिया को संबोधित किया। अखिलेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से झूठ बोलने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हमारे सभी कामों का उद्घाटन करने में लगी है। अभी तक तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई काम ही नहीं किया है जिसका यह लोग उद्घाटन कर सकें। उन्होंने कहा कि केंद्र तथा प्रदेश की भाजपा सरकार लगातार लोगों से झूठ बोलने का काम कर रही है। एक झूठ खत्म नहीं होता, दूसरा झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। आगरा एक्सप्रेस वे को लेकर लगातार सरकार एक्शन की बात कर रही है, लेकिन आगरा एक्सप्रेस वे पर वायुसेना ने टच डाउन किया। आगरा एक्सप्रेस वे की जाँच करवाई लेकिन कोई खामी नहीं निकाल पाए। अखिलेश ने कहा कि कई काम एनओसी न मिलने की वजह से रुके और लखनऊ मेट्रो के काम में भी केंद्र की भाजपा सरकार और एनजीटी ने रोड़ा अटकाने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने कहा कि कल गाजियाबाद में देश की सबसे बड़ी हिंडन एलिवेटेड रोड का उद्घाटन करने वाले भाजपा के लोगों ने हमारे ऊपर तो परिवारवाद का आरोप लगाया है। यह लोग कम से कम यह तो बता दें कि कौन सी रोड यादव लेन के नाम से बनी है। अखिलेश ने परिवारवाद के आरोपों पर कहा कि वह बताएं कि एलिवेटेड रोड में कौन सी यादव लेन के नाम से बनी है। सरकार लगातार हमें बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि इस एलिवेटेड रोड का निर्माण नवंबर 2014 में शुरू हुआ था। हमको तो इस काम के लिए रेलवे और एनजीटी की तरफ से एनओसी नहीं दी गई। दावा किया हमारे कार्यकाल में कई काम एनओसी नहीं मिलने के कारण रुके। भाजपा सरकार हमारे कार्यकाल के कामों का उद्घाटन करने में लगी है। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर कर्जमाफी के नाम पर सूबे के किसानों से रिकवरी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जनता आपके खिलाफ मैदान में तैयार है। किसानों की कर्ज माफी की घोषणा के बाद अब उसकी रिकवरी की गई है। उन्होंने कहा कि जो जैसा बोएगा वो वैसा ही काटेगा। उनका दिल कितना छोटा है जो यह कह नहीं पाए यह काम पिछली सरकार में हुआ है। वे कहते हैं कि इसे हमने पूरा करवाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि हम स्वीकार करते हैं कि हो सकता है कि हम परिवारवाद के नाम पर खड़े हो, पर हम कई बार जनता के बीच परीक्षा दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है। सरकार कहती है कि हम किसी के काम को नहीं रोकते, इसके बाद भी इन्होंने एलिवेटेड रोड में हमको एनओसी नहीं दी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा भी बहुत से काम है जिनको इन्होंने पूरा नहीं होने दिया। यह सरकार लगातार दूसरे पक्ष को हर स्तर पर मानसिक रूप से परेशान करना चाहती है।